राजेश साहब, मालवा, निमाड़, बघेलखंड और भोपाल, ये रीजन्स कवर कर चुके हैं हम। 149 सीटों का सर्वे, जिसमें 84 पर भाजपा दिखती है जीतती हुई और 62 पर कांग्रेस पार्टी। एंटी इनकम्बेंसी तो दूर दूर तक छोड़िए, यहां तो सीधे दिखाई दे रहा है एज भाजपा का अभी तक। जी देखिए सौरभ, जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं ओपिनियन पोल, उसमें वो सराखों पर, उससे मुझे कोई मतभेद या मैं उसके बारे में कोई राय नहीं कहूंगा कि ये ठीक नहीं है या नहीं। लेकिन देखिए, जो जमीनी स्थिति है वो बड़ी सिंपल है, स्पष्ट है। मैं भोपाल में हूँ और मध्य प्रदेश में काफ़ी मैंने दौरे भी किए हैं, जब जगह जाके दिखाए। तो शहरों में ज़रूर, कुछ शहरों में जैसे भोपाल की आप बात करें या इंदौर है, वहाँ पर भाजपा की बढ़त नज़र आती है और बढ़त है भी, शहरों में भाजपा मजबूत है। लेकिन भाजपा जो है वो कई जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर बहुत कमज़ोर आती है। और अगर हम उसको जाति उसके स्तर के ऊपर देखें तो जो ट्राइबल और दलित हैं वो कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ हैं, और जो पिछड़ों की राजनीति जो हो रही है इस समय, जो जनगणना वगैरह में, उसमें लेके कांग्रेस एक सेंध लगाई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिपहसालार है, सिपहसालार गायब है। आप अगर आज भी अगर आज भोपाल शहर में आप देखें तो पोस्टर लगे, बड़ा सा पोस्टर में नरेंद्र मोदी जी का फोटो है और उसके बाद एक पतली पट्टी है 11 लोगों की, उन 11 लोगों में आपको खोजना पड़ता है। तो कहाँ है वो जो मामा जिन्होंने इतना सारा काम किया, बुलडोजर मामा कहें या वैसा मामा, जैसा भी मामा का कारनामे जो हमारे फ्रेंड मित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी गिना रहे थे, उन मामों उसके काम की कोई चर्चा ही नहीं कर रही। भाजपा नहीं चर्चा कर रही है, प्रधानमंत्री नहीं चर्चा कर रहे, गृह मंत्री नहीं चर्चा कर रहे। तो एकदम से जो ये शिवराज जी का जो भाजपा ने राजनीतिक रूप से ग्राफ मतलब गिराया है और हटाया है उनको पर्दे से, वो दिखाता है कि भाजपा खुद अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। सर, सिरे में तो आपका असेसमेंट आपने इशारा तो कर ही दिया, खुलकर और बात कर लेते हैं। आपके लिहाज से कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है इस चुनाव में? कांग्रेस पार्टी आसानी से चुनाव निकालेगी? देखिए, ये तो चुनाव रुझान की बात, मतलब अभी जो लोगों का सेंटिमेंट नजर आता है, देखिए जो विंध्य में पिछली बार भाजपा को बड़े बहुत ज्यादा बढ़त हुई थी और कांग्रेस बिल्कुल उसकी वजह से फ्लॉप हुई थी, अब की वहाँ बिल्कुल उल्टा माहौल नजर आता है। और इसी तरीके से जो ग्वालियर चंबल का क्षेत्र है वहां पे भी काफी बदलाव है। महाकौशल के बारे में फिर मैं कह रहा हूँ ओपिनियन पोल ने कुछ कहा है, लेकिन वो खुद कमलनाथ का इलाका है और कमलनाथ ने देखिए बहुत दिनों से जमीनी मेहनत करी। मेरा अपना आकलन ये था कि जब सरकार उनकी गिरी उसके बाद वो दिल्ली चले जाएंगे और केंद्र मतलब कांग्रेस के केंद्र की राजनीति करेंगे, लेकिन वो जमे रहे। उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है जमीनी स्तर पर। हर कोई भी देखिए इस वक्त कांग्रेस में कोई बगावत का वो नहीं है कि टिकट को लेकर के मारा मारी है, जिस तरह का कांग्रेस का कल्चर है ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उनकी तैयारी बड़ी जबरदस्त है। अब ये तैयारी सीटों में कब कन्वर्ट होगी, कैसे दिखाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस का भाजपा से जो यहाँ बिल्कुल इसका उल्टा होगा, मतलब 20-22 सीटें कांग्रेस की ज्यादा होंगी। बताइए भावेश, ये उनकी राय है? बिल्कुल सही है, बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत चीज़ों को गौर से देखते हैं। मैं उनकी 2-3 बातों से एग्री करता हूं और बहुत सारे बातों से डिसएग्री करता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि जाति जनगणना, देखिए मैं जनरली कोई भी बड़ी इशू आती है तो उसको देखता हूं कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, ठीक है ना। जैसे आपको याद होगा कर्नाटका में जो बजरंगबली का इशू हुआ था, तो उसमें मैंने कहा था कि बीजेपी को इससे प्रतिक्रिया स्वरूप इसमें नुकसान होगा। जातीय जनगणना की वजह से मध्य प्रदेश, जैसे संजय सर ने कहा कि वहाँ पे कोई असर नहीं है, लेकिन असर है। असर क्या है उसका? नेगेटिव इम्पैक्ट है। 105 ऐसी सीटें जहाँ पे जनरल कास्ट वहाँ पे वोट करती है और वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं बहुत सारी, 105 लगभग सीटों पे, उन सीटों पे असर है। आपको याद होगा 2018 में SC ST वाला जो इशू हुआ था, उसके वजह से बीजेपी कई सारी सीटें हारी थी, वो सवर्ण पूरी तरह बीजेपी के खिलाफ हो गई थी। बिल्कुल, तो ये जो 100-105 की सीटें है उस पर असर दिखेगा जातीय जनगणना के। ठीक है, जातीय जनगणना के सपोर्ट में बहुत सवर्ण वोट या जिसको हम फॉरवर्ड वोट कह देते हैं, आप कह रहे हैं इस चुनाव में वो बीजेपी की तरफ और आएगा? बिल्कुल आएगा, जो डिस्ट्रैक्ट हुए हैं पिछले और ज्यादा कंसोलिडेट होंगे, बिल्कुल वो और ज़्यादा होंगे। तो एक फैक्टर यह। दूसरी बात आप देखेंगे कि इस चीज़ को लगभग कमोबेश सभी मानते हैं कि शिवराज सिंह जो CM है उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जब बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, आप देखें 17 साल से उनके खिलाफ कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, उसके बाद आप देखें कोई परिवारवाद का आरोप भी उन पर नहीं लगता, बहुत सारे ऐसे जिसमें वो बहुत अलग होते हैं। दूसरी आप देखें, जब जातीय जनगणना की आप बात करोगे, आपने कांग्रेस का लिस्ट देखा है, कांग्रेस का लिस्ट देखिए, उसमें से 144 जो सीटें डिक्लेयर हुई थी उसमें 52 के आसपास सवर्ण को उन्होंने टिकट दिया, कितने OBC को उन्होंने टिकट दिया है। तो ये सब सारे फैक्टर मैटर करते हैं, जनता भी जानते हैं इन चीज़ों को। एक आपकी बात पर जवाब देना चाह रहे हैं राशिद जी। राशिद साहब देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, जो हमारे मित्र कह रहे हैं वो देखिए पिछली बार में चुनाव में बड़ा मुद्दा था और शिवराज जी ने आरक्षण के बारे में कहा था कि
कोई माई का लाल आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता और उससे उनको नुकसान हुआ था। तो एक जो नुकसान उनको जो स्वर्ण जातियों के वोट का हुआ था, अब अगर वो पिछड़ों के साथ नहीं खड़े होते वो या पूरी भाजपा पार्टी और नरेंद्र मोदी जी, तब वो उसका एक रिएक्शन होगा पिछड़ों में, जो मतलब होता है ना कि पिछड़ा मांगे 100 में 60। ये मामला बड़ा संवेदनशील है और इसको 60-70% जो है वो मतदाताओं को ये मुद्दा प्रभावित करने वाला है, ये साफ नजर आएगा। जहां तक शिवराज जी की बात है, जो भी कहा जाए, वो जो एक उसका शेर है उर्दू का कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, किश्ती मेरी वहां डूबी जहां पानी कम था। तो ये शिवराज जी के साथ तो अनहोनी हो गई। किसी ने कल्पना नहीं की थी 6 महीने पहले कि शिवराज जी को, मतलब एक मैं उदाहरण दूसरे नहीं देना चाहता कि उनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाएगा। आज उनकी कोई पूछ परख ही नहीं उनकी पार्टी में। तो देखिए, जो बार बार मैं आपसे कहता हूँ, चाहे वो अशोक गहलोत हो चाहे शिवराज सिंह हो, उनकी विडंबना ये कि उनकी लीडरशिप ने उनको बिल्कुल नकार दिया है। ठीक है सर, लीडरशिप को जनता किस दूसरे विश्वास करेगी। सौरभ जी, मैं एक पॉइंट ऐड कर लूं। देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे जो है, जो बताया कि शिवराज सिंह चौहान को कम करने के लिए बहुत सारे बड़े नेताओं को उतारा गया, मुझे लगता है आप ठीक से इसको एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे शिवराज सिंह चौहान को बचाने के लिए उन लोगों को लाया गया है। पहले क्या करते थे सारे नेता, अपने अपने क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ते थे और अपने अपने दूसरे विधायकों को हराते थे। इस बार उनको खुद चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है। वो पूछ रहे बचाया जा रहा है, मतलब कुछ तो दिक्कत थी तभी बचाया जा रहा है ना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।